60 मंजिला बिल्डिंग से गिरते हुए इस युवक का वीडियो आपने नेशनल मीडिया पर जरूर देखा होगा। ये हादसा भले ही मुंबई में हुआ हो, लेकिन जो शख्स बिल्डिंग से गिरा है वो इलाहाबाद के करछना का रहने वाला अरुण है, जो अपने परिवार का इकलौता सहारा था। अरुण मुंबई में इसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड था। फिर बताने लगे, बोले मम्मी को ना खबर जाए। तब तक मेरी एक भांजी वो कर दी फोन, बोली ऐसा है मामी, अरुण मामा खत्म हो गए। फिर मम्मी खत सुन ली, तब रोना धोना चालू कर दी बस। मुंबई में जब इस बिल्डिंग में आग लगी तो काफी लोग 19वीं मंजिल पर फंसे थे। अरुण और उसके साथियों ने 3 लोगों को बचाया भी, और आग जब बढ़ने लगी तो अरुण बालकनी में पहुंच गया। आग से पूरी तरह जगह जलने लगी तो अरुण बालकनी में लगे एक रॉड को पकड़कर लटक गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका हाथ छूट गया और वो नीचे गिर गया। बिल्डिंग से गिर गए और आग लग गई थी, डेथ हो गया उनका। हाँ यही सर, उसके बाद बात ही नहीं हो पाई। हम फोन लगवा रहे थे, घर में कमाने वाले इकलौते थे जी सर, वही एक ही थे, उन्हीं के ऊपर सब कुछ था सर। हाँ, आप नहीं कमाते? नहीं, हम हमारा हाथ हो गया था, पड़ाके से जल गया था। पहले हम भी वहीं रहते थे बॉम्बे, और 4-6-7 साल से यहीं घर ही पे है। अच्छा। हाँ, जब से वो हो गया। अरुण की मौत से उसके परिवार के साथ साथ गांव में भी मातम का माहौल है। अरुण ही मुंबई से अपनी कमाई का पैसा भेजता था, जिससे घर चलता था। परिवार के लोग काफी दुखी है और बार बार इस घटना को याद करके सिहर उठते हैं।